नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज सुबह विरार से एक ऐसी घटना सामने आई है जिस घटना ने क्षेत्र में एक अलग चर्चा का माहौल पैदा कर दिया। दरअसल विरार पश्चिम में अमेया क्लब के कार्यालय के नजदीक खड़े ऑटो रिक्शा में से 7-8 ऑटो रिक्शा के फ्रंट के कांच, आगे के कांच फोड़ दिए गए। ये जिसने भी कांच फोड़े, उसने किसके कहने पर फोड़े, क्या फोड़े, इसकी कोई फिलहाल जानकारी, पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन चूंकि ये जो भी मामला हुआ, ये मामला उस क्षेत्र में हुआ जहां अमेया क्लब का, जैसे मैंने अभी बताया, अमेया क्लब का कार्यालय था, बहुजन विकास आघाड़ी का कार्यालय था, और पसेविरार महानगर पालिका के प्रथम महापौर राजीव पाटिल का कार्यालय था। तो आरोप ऐसे लग रहे हैं कि ये जो रिक्शे फोड़े गए, ये कहीं न कहीं राजीव पाटिल के इशारे पर फोड़े गए, ऐसे आरोप लगे। यहां ऐसे क्षेत्रवासी ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि इन ऑटो रिक्शा को यहां खड़ा करने के लिए कई बार मना किया जाता रहा है, लेकिन फिर भी ऑटो रिक्शा चालक वहां आते हैं, सवारी पैसेंजर लेने के लिए अपने रिक्शा वहीं ऑफिस के सामने खड़ा कर देते हैं। और इसी बात पर ऑटो रिक्शा वाले को सबक सिखाने, इस तरह की ये घटना अंजाम दी गई। लेकिन जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि सिर्फ आरोप लग रहे हैं, और आरोप इसलिए लग रहे हैं कि वहां बहुजन विकास आघाड़ी प्रथम महापौर राजीव पाटिल का कार्यालय था। लेकिन इस घटना का एक भी चश्मदीद प्रत्यक्षदर्शी या ऑटो रिक्शा चालक या मालक कोई सामने नहीं आया जिसने पुष्टि नहीं की। अब ये समझने की बात, ये एक काफी पेचीदा बात कही जाएगी कि इस तरह से एक तरफ इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि राजीव पाटिल के इशारे पे ये ऑटो रिक्शा तोड़े गए हैं, तो दूसरी तरफ ऑटो रिक्शा, जिनके ऑटो रिक्शा टूटे हैं या वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी थे, किसी ने इस बात की पुष्टि नहीं की। तो अब सवाल ये है कि क्या राजीव पाटिल को बदनाम करने की ये चाल है? इस मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि राजीव पाटिल एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, पूर्व महापौर है, और कहीं ना कहीं उनका नाम इस मामले में उछाला जा रहा है। तो फिलहाल इसकी कोई अपडेट नहीं है, जैसा मैंने अभी कहा, और न ही हम ये दावा करते हैं कि ये घटना जो है, जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि ये घटना राजीव पाटिल के इशारे पे हुई है, ये सत्य हो। हम तो यही सवाल कर रहे हैं कि इस घटना की जांच होनी चाहिए, ताकि अगर ये मामला झूठ निकले तो ये झूठ फैलाने वाले के ऊपर कार्यवाही हो सके। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर